इतना गेटअप नहीं आता ब्लैक कलर के अलॉयज का, जो कि इनका डिजाइन है वो इतना समझ में नहीं आता। बट यस, द कार इज रेडी, आप मेरे पीछे देख सकते हो। हे गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आज हमारे पास आई है एक स्कॉडा रैपिड जो कि मैट कलर एडिशन के अंदर है, एंड इस गाड़ी का जो ओवरऑल थीम है वो डार्क एडिशन में ही आता है। जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी पैनल्स इस गाड़ी के अंदर, सारे डार्क थीम्ड आउट हैं। तो हमारे पास जब ये गाड़ी आई तो कस्टमर की डिमांड यही थी कि मुझे ना कुछ अलग करना है, जिसकी वजह से जो गाड़ी की अपील है वो थोड़ी अच्छी लगे एंड कार ओवरऑल अपने आप में अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करे। सो व्हाट वी डिसाइडेड टू डू ऑन दिस कार इज दैट कि हम इसके अलॉय व्हील्स पेंट करने वाले हैं, प्लस इसकी जो ये वाली ग्रिल है हम इसके बॉर्डर को भी पेंट करेंगे एंड इस ग्रिल को भी पेंट करेंगे। ये सारा प्रोसेस हमने कैसे करा वो मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड हाउ वी फाइनलाइज दिस थिंग तो वो भी मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो करते हैं फिर इस वाली वीडियो को शुरू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अलॉयज का लुक दिखा देता हूँ। जो कार के अलॉयज हैं ये ग्लॉस ब्लैक या पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर आते हैं एंड ऐसा कुछ नजर आता है। ओवरऑल जो कार की लुक है थोड़ी स्टेल्थ लुक है, यानी कि ब्लैक लुक है। तो ये जो चीज है कॉम्प्लीमेंट तो ऑब्वियसली करती है कलर को, बट कहीं ना कहीं जो ब्लैक कलर के अलॉयज होते हैं ना वो रात में नजर नहीं आते, या फिर इतना गेटअप नहीं आता ब्लैक कलर के अलॉयज का, जो कि इनका डिजाइन है वो इतना समझ में नहीं आता। एंड हाउएवर जब हम किसी और कलर में जाते, माइट इट बी सिल्वर और गनमेटल ग्रे या कोई दूसरा कलर, तो जो एक अलॉय की लुक है ना वो अच्छी निकल कर आती है एंड जो डिजाइन अलॉय का वो ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो कस्टमर जब हमारे पास आए उनकी एक ही डिमांड थी कि मुझे कार के साथ जो अलॉयज है उनका एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर चाहिए, ताकि जो लुक है वो काफी ज्यादा अच्छा लगे। प्लस ये वाली जो ग्रिल है ना इसके साथ हमें इसको टचअप देना पड़ेगा ताकि जो कलर है वो प्रॉपरली सिंक करे। अब यहाँ तक ये वाली बात कैसे पहुंची मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कस्टमर आए, उन्होंने अपना जो एक रिक्वायरमेंट है वो मुझे बताई एंड मैंने हैंड टू हैंड उनको एक रेंडरिंग करके दी, जो कि आप इमेज अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। ये रेंडरिंग हमने करके दी फॉर दी फ्रंट प्रोफाइल ऑफ दिस कार। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम इसका जो बॉर्डर है वो भी पेंट करेंगे, प्लस जो ग्रिल है वो भी पेंट करेंगे। तो बॉर्डर हम इसका करने वाले हैं सिल्वर कलर के अंदर, प्लस ये वाली जो आप लाइनिंग देख रहे हो फ्रंट बम्पर पे, इसको भी हम सिल्वर कलर के अंदर पेंट करेंगे। एंड टू सिंक दिस प्रोफाइल वी आर पेंटिंग दीज अलॉयज इन सिल्वर एज वेल। तो इसका अब मैं आपको प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, क्या चीज़ हम करने वाले हैं, कैसे करेंगे एंड किन प्रोडक्ट्स के अंदर करेंगे। तो वो सारी चीज़ें अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। जब हम अलॉयज पेंट करते हैं एंड देन अलॉयज बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में है तो उसके ऊपर डायरेक्टली हमें सैंडिंग करनी पड़ती है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो रैपिड के ये ब्लैक कलर के अलॉयज हैं, दीज वर इन अ वेरी गुड कंडीशन। एज यू नो कि ये जो गाड़ी है ये 2-3 मंथ्स ओल्ड कार है, तो इस कार के अलॉयज का अभी तक एज सच कोई भी डैमेज नहीं था। हमने थॉरली चेक करे अलॉयज, तो वी फाउंड के अलॉयज आर इन अ वेरी गुड कंडीशन, तो डायरेक्टली हम इनको पेंट कर सकते हैं। बट यस, जब पेंट होता है तो इस सेटिस्फेक्शन एंड इस मोटिव से होना चाहिए कि जो भी पेंट जॉब है दैट गोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट क्रिएट्स अ गुड ग्लॉस, इट क्रिएट्स अ गुड फिनिश। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो इसी ऑब्जर्वेशन से हम एक कंक्लूजन पर आए कि ये वाले जो अलॉयज है दे आर इन अ वेरी गुड कंडीशन, हमें इनको डायरेक्टली सैंड करना चाहिए। तो सैंडिंग यूजुअली जो स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स फ्रॉम 180 ग्रेड एंड देन इट गोज अप टू 320 ग्रेडिंग, राइट। अभी जो हमें सैंडिंग कर रहे हैं ये हो रही है 180 ग्रेडिंग के साथ, नेक्स्ट जो सैंडिंग होगी दैट विल बी विद 320 ग्रेडिंग। इस पर्पज से हमें सैंडिंग करनी पड़ती है, जितनी भी ग्लॉस है एक व्हील के ऊपर वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाए, सो दैट जब हम एक नया पेंट जॉब करें तो उसकी जो ग्रिपिंग है अलॉयज के ऊपर वो ज्यादा अच्छी आए एंड जल्दी से पील ना हो। तो दिस इज द सोल पर्पज फॉर सैंडिंग अ व्हील, या जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं किसी चीज के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इन दिस केस इन अलॉयज के ऊपर जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो सारी आपकी सैंडिंग में बाहर आ जाती हैं।
वंस वी आर डन विद सैंडिंग, अब बारी आ जाती है मास्किंग की। तो मास्किंग आप देख सकते हो हम कुछ ऐसी करते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास ये भी होता है हम टायर से रिमूव करके अलॉय को पेंट करें, बट देन जो हमारे अलॉयज है न्यूली पेंटेड अलॉयज है वो बहुत ज्यादा प्रोन हो जाते हैं फॉर स्क्रैचेस। प्लस मास्किंग इसलिए करी जाती है कि हम एक प्रिकॉशनरी स्टेप ले रहे हैं टूवर्ड्स ओवर स्प्रे ऑफ द पेंट। अगर हम अलॉयस पर पेंट कर रहे हैं सो वी आर टेकिंग अ प्रिकॉशन के वो अलॉयस का जो पेंट है टायर्स के ऊपर ना जाए। As you have seen, we have covered the first and the second step, that is sanding and masking. अब बारी आ जाती है हमारे primer coat की, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देखने वाले हैं। ओके सो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको पूरा प्रोसेस तो नहीं दिखा पाया कि हमने इसके ऊपर फाइनल जो अपना टॉप कोट होता है एंड क्लियर कोट होता है वो हमने कैसे करा, बट येस द कार इज रेडी। आप मेरे पीछे देख सकते हो जो हमारी स्कॉडा रैपिड आई थी मैट ब्लैक एडिशन के अंदर या डार्क एडिशन के अंदर वो पूरी रेडी हो चुकी है। तो पहले जो हमारे प्लान्स थे वो थोड़े अलग थे, बट उसके बाद हमारे प्लान्स बहुत सारे चेंज होते चले गए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा प्लान एग्जीक्यूट हुआ था वो ये था कि हम इसके अलॉयज पेंट करेंगे, वो हमने ऑलरेडी कर दिए। एंड जो नेक्स्ट हमारा प्लान था वो था ग्रिल पेंट करने का, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब और क्या क्या प्लान्स एड ऑन हुए मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला प्लान एट दैट टाइम आ चुका था तो हमने ये भी पेंट कर दिया। आप इसकी फिनिशिंग एंड सब कुछ देख सकते हो कि आपको अच्छा लग रहा होगा काफी। और जो ग्रेस है कार का वो भी बहुत ज्यादा एड ऑन हो गया इसके साथ। एंड नेक्स्ट हमने और क्या क्या करा वो भी बताता हूँ। ये वाली जो डोर बीडिंग होती है ये भी हमने सिल्वर करी। बेसिकली ये जो कलर है दिस इज लूनार सिल्वर या लूनर सिल्वर भी हम इसको बोलते हैं। ये जो कलर है ये आता है होंडा सिटी के अंदर या होंडा की कई कार्स के अंदर आता है ल्यूनर सिल्वर। तो ये वाला शेड हमने इस कार के साथ कॉन्ट्रास्ट में दिया है। ये प्लान जो था ये भी बाद में आया। नेक्स्टली अब जैसे जैसे कार अच्छी और लगती गई तो हमने सोचा इसके साइड मिरर्स भी हम करते हैं पेंट एंड इनके जो कवर्स हैं वो हमने पेंट करे हैं। नेक्स्टली स्पॉयलर हमने करना था दैट डे ऑल्सो, बट उसके बाद अब जो हमारा प्लान दूसरा ऐड हुआ वो ये था कि हम जो इसकी बूट गार्निश जो होती है ये वाली ये भी हम करेंगे। आप भी जितने भी पीसेस देख रहे हो जो हमने सिल्वर के अंदर करे हैं ये सारे पीसेस जो हैं ये आते थे इसके अंदर पियानो ब्लैक फिनिश में। आपने स्टार्टिंग में जो वीडियो देखी थी उसके अंदर आपको ये आइडिया लग गया होगा। ये सारी एक्सेसरी किट है एक्सेप्ट दीज व्हील्स, बाकी जितना भी आप देख रहे हो ये एक एक्सेसरी किट है जो कि कस्टमर ने अपनी कार के साथ ली थी फ्रॉम दी कंपनी। एंड ये सारी चीज़ें हमने अब पेंट करी है तो कार का लुक जो है वो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। एंड नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अभी आपको ये वाली कार कैसी लग रही है। सिनेमैटिक्स हम हमको बिल्कुल लास्ट में दिखाएंगे इस वाली वीडियो के, बट उससे पहले मैं आपको अब सीधा कस्टमर के पास लेके चलता हूँ एंड जानते हैं कि उनके रिव्यूज़ कैसे हैं इस सारे काम के बारे में। ओके सो कस्टमर हमारे साथ हैं तो सबसे पहले भैया का नाम जान लेते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम है गौरव जैन और जैसा पाजी का नाम है स्पीडी सिंह वैसा ही पाजी का काम है। जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया था तो मैं सिर्फ इनसे एक गाइडेंस लेने आया था कि मुझे मेरी कार की जो लुक है वो थोड़ी अच्छी करनी है, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती क्योंकि ये पूरी ब्लैक थी तो इसको कैसे एनहेंस किया जाए। तो पाजी ने मेरे को लैपटॉप पे इसको एडिट करके दिखाया। पहले उन्होंने एक पिक्चर सामने मेरे प्रेजेंट की कि आप पहले देख लो इस टाइप की लुक आएगी। हमने कोई भी ऐसा ब्लाइंडली डिसीजन नहीं लिया कि इसको कर दो जो होगा देखी जाएगी। पहले देखा उसके बाद हमने अलॉयज इसके जब फिनिश किए तो सिल्वर से जो इसका लुक था वो बहुत ज़्यादा उठ के आया। हम दोनों को तो बहुत पसंद आया। उसके बाद जब हमने इसकी सारी किट्स देखी जैसे इसकी एसेसरी देख सकते हो आप या इसका आप ये देख सकते हो तो उस टाइम ये विजिबल नहीं था, पता नहीं लगता था, सिर्फ नेक डाई से दिखता था, हमें दिखता था क्योंकि हमें लगवाया हुआ था। फिर हमने इसको थोड़ा थोड़ा जब कॉन्ट्रास्ट में लेके देखा तो हमारी कार की बहुत ग्रेस आई।
उसके बाद मैंने यहाँ कार सिर्फ 2 दिन के लिए छोड़ी और ये सारा काम मेरा विद इन 2 डेज हुआ है और बहुत ही अच्छा हुआ है। कंपनी से ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग मुझे यहाँ पर मिली है। तो जितने भी मेरे दोस्त ये देख रहे हैं, अगर वो अपनी कार में कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, वो चाहते हैं मेरी कार कुछ आउट लगे, मतलब लुक आउट मेरी कार दिखे, तो प्लीज़ पाजी से कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, तो ये तो था कि ओवरऑल कार की ग्रेस बढ़ गई है। ठीक है गौरव जी, अब मुझे ये बताओ कि आपको काम करवा के कैसा लगा, लाइक व्हाट इज़ योर फीडबैक अबाउट आर वर्क। मैं 12 साल से कार यूज़ कर रहा हूँ पर मैं इतना सेटिस्फाइड कभी नहीं हुआ। मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस यहाँ का रहा। आया था मैं यहाँ सिर्फ एक रिव्यूज़ पढ़ के किसी के, या मैं किसी के रेफरेंस पर नहीं आया, मैंने वैसे ही ऑनलाइन देखा और मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा यहाँ काम मिलेगा। मैं बहुत थोड़े काम के लिए आया था पर इनका काम देख के मैंने यहाँ एक्स्ट्रा काम भी करवाया और आगे भी मेरे पास जितनी कार आएंगी या मेरे नोन में जितने लोग आएंगे, मैं सबको यही प्रेफर करूँगा कि कार में आपको कोई भी काम करवाना है तो प्लीज़ यहीं पर आएँ सबसे पहले। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सच अ गुड फीडबैक। मतलब थोड़ा सा होता है ना, थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ गई है। तो ये था पूरा फीडबैक कस्टमर का, कस्टमर इज हाईली सेटिस्फाइड, आपने देख लिया है। एंड सच बताऊँ तो मैंने भैया को ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि भैया ये सब कुछ बोल देना। ये भैया जिस दिन आए थे उस दिन जब हमने एडिटिंग करी ना, तो भैया को लिटरली लगा कि हाँ देयर इज अ डिफरेंस एंड वी कैन डू दिस वर्क। तो उसी बेसिस के ऊपर हमने ये पूरी कार कम्प्लीटली रेडी करी है एंड होपफुली आने वाले टाइम में अगर भैया हमसे कुछ और भी काम कराएंगे तो मैं आपको इस वाली स्कॉडा रैपिड के ऊपर वो डेफिनेटली दिखाऊंगा। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ऐसा काम करवाना है तो यू कैन विजिट अस एट स्टीयर एक्स ऑटोमो विच इज लोकेटेड इन मोहाली पंजाब। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको हर एक डिटेल मिल जाएगी स्टीयर एक्स ऑटोमो के बारे में। कोई भी अपडेट चाहिए होता है हमारे इस पूरे वेंचर के बारे में तो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। मेरी लाइफ या मेरे चैनल पे क्या क्या होना है वो जो सारे अपडेट्स है वो आपको मिलते हैं स्पीडी सिंह 13 ऑन इंस्टाग्राम। सो इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर एज मच एज पॉसिबल एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगा इस वाली स्कॉडा रैपिड के बारे में। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर करके जाना एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। सो विद दिस मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन दिस इज पीडी सिंह विद स्टीयर एक्स ऑटोमो साइनिंग ऑफ।